आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो में मैं आपका होस्ट और आपका मीठा मीठा प्यारा प्यारा दोस्त पीके सज्जन करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और वेलकम। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ही अपने आप सभी के आपके ही अपने पावर ऑफ सकाश चैनल पर और बिल्कुल तैयार है देने के लिए सही जवाब लेकर जाने के लिए यहाँ से ताज। रात्रि का समय हो चुका है, सारे दिन आपने बाबा को जी भर के याद किया, अब रात का समय मुरली की रिवाइज करके बाप की गोद में सोने का है ताकि सुबह बहुत पावरफुल अमृत वेला हो। उसके लिए आप यूट्यूब का कर रहे हैं सदुपयोग, जिससे सोशल मीडिया भी धन्य धन हो रहा है। देखिए हर वक्त हम हर सेकंड कर रहे हैं हर कुछ सफल, तो बहुत बहुत बधाई उसके लिए, मुबारक है जी, बधाइयाँ। तो चलिए इन बधाइयों को चार चांद लगाते हुए हम जल्दी से फटाफट कर लेते हैं कल का रिविज़न कि कल बाबा ने मुरली में क्या कहा था। बाबा ने हमें समझाया था, मीठे बच्चे तुम्हें तो निश्चय है कि संगम पर हम भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं, बाप हमें पढ़ा करके 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। साथ ही साथ बाबा कहते हैं अपने ऊपर कृपा करने व आशीर्वाद करने की विधि क्या है वो सुनाई थी। देखिए दुनिया में तो हम अपने ऊपर ही कृपा करने के लिए कितने दर दर भटकते थे, धक्के खाते थे इस गुरु के पास, कभी महान आत्माओं के पास। हमें तो मालूम ही नहीं था कि हम स्वयं पर कैसे कृपा कर सकते, क्या हमारे अंदर भी वो शक्ति है कि हम अपने ऊपर कृपा कर सकते हैं। तो भगवान ने सहज रास्ता बता दिया कि बच्चे पढ़ाई पढ़ो, जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ाई रोज़ पढ़ते रहो, संदोष में मत आओ, श्रीमत पर चलते रहो, गफलत मत करो, तो उन्हें बाप की भी और अपने आप की भी कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। स्वयं पर कृपा करने का सबसे सहज साधन है श्रीमत पर चलना, और जब श्रीमत पर चलते हैं तो बाप की और सर्व की दुआएं हमें मिलती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बस चलते रहो श्रीमत पर, पढ़ाई पढ़ते रहो, साथ ही साथ कर्म बंधन से भी मुक्त होकर रूहानी पढ़ाई पढ़ो, क्योंकि जब तक जीना है तब तक पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। कई लोग पूछते हैं बाबा कब तक पढ़ना, बाबा कहते हैं जब तक जीना तब तक पढ़ना है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं निकाल दो मोह ममता और शांतिधारा में सुख धाम को याद करो, संग दोष से संभाल करो, साथ ही साथ स्वराज अधिकारी बनकर जियो, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्र को नीति प्रमाण चवाने चलाने वाले आत्मा बनो, और जितना निर्माण होगे उतना ही सफलता मिलती रहेगी। इसलिए निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बाबा ने हमें सुना दी हैं कल, और अब आपने भी ज़रूर दृढ़ प्रतिज्ञा करी होगी कि हम इस पर अमल करके इस जीवन में धारण करके अपना जीवन और औरों का भी जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे। तो चले और बढ़ते हैं आगे, और रिवाइज तो कर लिए हमने मुरली, अब बारी है आज यानी 3-3-22 की मुरली से रखने की आपके सामने 5 सवाल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल तैयार होंगे, रेडी स्टडी हैं, बस गो का बटन दबना है और 5 सवाल पेश होने। तो चलिए दबाते हैं गो का बटन और रखते हैं सबसे पहले आपके सामने पहला सवाल। तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्मा के बच्चे कामधेनु, सभी की कामना है हमें क्या मिले? चार ऑप्शन, ऑप्शन वर्षा, ऑप्शन बी मुक्ति, जीवन मुक्ति, ऑप्शन सी सुख शांति, ऑप्शन डी अधिकार। आपका अक्षर होता है बक समाप्त हुआ, सही जो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, क्योंकि आपने दे दिया है बिल्कुल सही जवाब और 10 पॉइंट्स अपने नाम कर लिए। तो तालियां बज रही हैं आप सभी के लिए, आपके दिल को दिल की दुआएं मिल रही हैं, तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चले बधाइयों के साथ वक्त हो चला आगे बढ़ने का, रखते हैं दूसरा सवाल। 8 भुजाओं वाला कोई देवी देवता होते नहीं, प्रजापिता अथवा जगत अम्मा भी 2 भुजा वाली है, जगत अम्मा की महिमा जास्ती कहाँ है? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी कलकत्ता। आपका अक्षर होता है वक्त समाप्त हो चला है, सही जवाब है ऑप्शन डी कलकत्ता।
तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। दो सवाल पूरे हुए, दूसरे प्रश्न का भी सही जवाब दिया है और जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स में, मुबारक हो। और जो भाई बहन नहीं जीत पाए, निराश मत हुई, आने वाले 3 सवाल धैर्यता के साथ बाप की याद को बनाए रखते हुए अटेंशन के साथ जवाब दीजिए, बिल्कुल लेकर जाएंगे आप यहाँ से ताज। इसमें घबराइए मत, खेलते जाइए, झोलियाँ तो भरपूर होनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं ज्ञान रत्नों से अपने आप को संपन्न। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने, तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। बाबा क्यों आया है हमें वैष्णव बनाने, संपूर्ण पवित्र बनाने? बाबा कहते तुम ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। कलयुग संगम पर ट्रांसफर हो रहे हैं और संगम से फिर सत्युग में ट्रांसफर होंगे, काले से गोरे बन रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ चलते हैं आगे, रखते हैं 3रा सवाल। जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती, वह तो किसको रचने वाली ठहरी? 4 ऑप्शन, ऑप्शन सृष्टि, ऑप्शन बी जगत, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी संसार। और आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हुआ, सही जो ऑप्शन बी जगत। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं मुबारक है, फिर एक बार आपके हिस्से में आ चुकी है क्योंकि आपने 10 पॉइंट्स अपने नाम कर लिए हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। देखते देखते 3 सवाल हो गए हैं पूरे और हम अब उस पड़ाव पर चलने वाले हैं चौथे प्रश्न की ओर, जहां अगर आपके पास 30 पॉइंट्स और आप देंगे चौथे सवाल का सही जवाब, तो आप यहां से गोल्डन क्राउन तो अवश्य ही लेकर जाएंगे। तो चलिए रखते हैं आपके सामने चौथा प्रश्न। प्रश्न है, पहले सुंदर थी अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेगी ब्रह्मा की बेटी, कौन है वह? कभी बलि आदि नहीं होती। 4 ऑप्शन, ऑप्शन लक्ष्मी, ऑप्शन बी राधा, ऑप्शन सी पार्वती, ऑप्शन डी सरस्वती। और आपका वक्त शुरू होता है। बताना है आपको सही जवाब। वक्त समाप्त, सही जो ऑप्शन डी सरस्वती। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो कि आपने दिया है फिर एक बार सही जवाब और ले चुके हैं 10 पॉइंट्स आप अपने नाम। तो मुबारक हो, मुबारक हो। और अगर 40 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन आपने अपने नाम कर लिया है, तो इसलिए भी आपको ढेरों ढेर बधाइयाँ हैं, बधाइयाँ हैं और बधाइयाँ हैं, ताकि आप यूँ ही आगे बढ़ते रहें और मुस्कुराते हुए बाबा के साथ घर वापस लौटे और सुख धाम में, यही हमारी शुभकामना है। तो चले इन्हीं कामनाओं के साथ अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं आपके सामने मुख्य पॉइंट। बाबा कहते तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्मा के बच्चे कामधेनु हो, सभी के कामना में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले, तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, यही तुम्हारा धंधा है। तो बहुत बहुत गहरी बात, बाबा ने कितना बड़ा टाइटल हमें दिया है, नशे में रहना चाहिए। तो अब बढ़ते आगे, रखते हैं आज का अंतिम सवाल। कुल वैष्णव देवी को भी मानने वाले होंगे, वह तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाएंगे, बोलो तुमको क्या मिला हुआ था इस जगत अम्बा से? 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए शस्त्र, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी राज्य भाग, ऑप्शन डी उपहार। और आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हुआ, सही जो ऑप्शन सी राज्य भाग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि आपने फिर एक बार हिम्मत दिखाते हुए दृढ़ता की शक्ति के साथ बाप दादा के 1000 भुजाओं के हाथ की छत्र छाया के नीचे दे दिया है सही जवाब और ले चुके हैं आप 10 पॉइंट्स, करते करते 40 और 50 पॉइंट्स फिर एक बार, और आप जीत चुके हैं मास्टर मुरलीधर का ताज। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ, जिसकी वजह से आप जीत चुके हैं इतने सारे पॉइंट्स और आप बन चुके हैं ताज थारी। तो इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। तो चलिए, बहुत सारी मुबारकें आपने ले ली हैं और आप भरपूर हो गए हैं।
तो इसलिए हम आपको बहुत दिल से दुआएं देते हैं और आपको अब अनुभव करवाते हैं कि स्वयं बाप दादा का हजार भुजाओं का वरदानी हाथ आपके सिर पर है। फील करें बाप का वरदानी हाथ सिर पर है और अनुभव करें बाबा की सर्व शक्तियाँ आप सभी में निरंतर समा रही हैं। आपकी स्थिति शक्तिशाली बनती जा रही है और आप अनुभव कर रहे हैं कि आप आत्माएं मास्टर मुरलीधर हैं, अर्थात मुरली के एक एक रत्नों को धारण करने वाली महान आत्माएं हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दिल से बाबा का करें धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया की गीत गाई और अपना भी और औरों का भी जीवन श्रेष्ठ बनाइए। चलिए अब इसी के साथ हम लेते हैं विदाई, फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा ख्याल, मुस्कुराते हुए खुशियाँ बांटते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति।